हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने दोस्तों को रिचार्ज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं नई नई वीडियो डेली डालता रहता हूँ यूट्यूब पर जो कि अर्निंग वाली होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों, जहाँ पर आपको सर्च करना है ई पी ओन ऐप के नाम से, तो ई पी ओन ऐप के नाम से आप सर्च करेंगे, जहाँ पर एप्लीकेशन दिख जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर आपको ऐप बारे ऑप्शन पर क्लिक कर देना और जहाँ पर लिखना है ई पी ओन एप्लीकेशन, तो ये देख सकते हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन का आइकन इस प्रकार का दिखता है। इस एप्लीकेशन पर ईसा बना होता है, तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा वीडियो में। तो ये मेरा पहले से डाउनलोड किया गया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, मैं इसको ओपन कर कर बताता हूँ दोस्तों। और आप जहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर कितना कैशबैक मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 799 रुपये का रिचार्ज किया था, मतलब इस ऐप के अंदर हमें दिख रहा है। और जहाँ पर हमें नहीं दोस्तों, इस ऐप में हमें दिख रहा है कि 799 का रिचार्ज करने पर जहाँ पर कैशबैक मिला है 39 रुपये 95 पैसे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर और हम आपको इसके अंदर रिचार्ज कर कर भी बताएंगे दोस्तों कि कितना मिलता है और मुझे कितना मिला है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं ये थोड़ा नेट की वजह से स्लो चल रहा है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे वॉलेट में 45 रुपये हैं अभी। तो जहाँ से दोस्तों हमें पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता है, जहाँ में हमें रिचार्ज करने के लिए पैसे डालने पड़ते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों, आप ऐड बैलेंस पर क्लिक करेंगे और ऐड बैलेंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जहाँ पर आप 5 रुपये से ऊपर ऊपर डाल सकते हैं, आप जितना कि अभी रिचार्ज करना चाहते हैं उतना पैसा जहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों। आप अपनी तरफ अपने हिसाब से कितना भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर अब मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों, जहाँ से मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, जहाँ से बिजली बिल, गैस बिल और गूगल पे रिडीम कोड सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। और लोन भी है यहाँ पर, और क्रेडिट कार्ड और सब कुछ है दोस्तों। और दोस्तों, जहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मुझे कैशबैक कितना मिला है। तो सबसे पहले दोस्तों, जहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है, अगर आपने रिचार्ज कर दिया तभी आपको दिखाई देगा, नहीं वरना नहीं देगा। जैसा कि मैं ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ, और मैंने कम से कम 2 साल से इस एप्लीकेशन को चला रहा हूँ और मोबाइल रिचार्ज कर रहा हूँ दोस्तों। मैं मोबाइल रिचार्ज करता रहता हूँ अपने दोस्तों का, आसपास के लोगों का दोस्तों, जो कोई करवाना चाहता है उनका करता रहता हूँ, और मुझे जहाँ पर कैशबैक मिलता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं इसे ऑर्डर वाली पर क्लिक कर देता हूँ, और जहाँ पर हमको दिख जाएगा कैशबैक हमने रिचार्ज कितने का किया है। तो दोस्तों, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने जैसे कि 269 का जहाँ पर रिचार्ज किया है, और जहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रिचार्ज सक्सेसफुली लिखा दिख रहा है। और जहाँ पर मुझे कैशबैक मिला है 9 रुपये 15 पॉइंट मिले हैं दोस्तों, 15 पैसे। और भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों जियो का, मतलब जब हम रिचार्ज जियो को करते हैं तो जियो पे हमें बहुत ज़्यादा कैशबैक मिलता है, और जियो पे हमें 4% का कैशबैक मिलता है, जो कि जहाँ पर मैं बता देता हूँ 239 का हमने रिचार्ज किया था, तो जहाँ पर हमको 8 रुपये जाने 9 रुपये मिल चुके हैं, 3 पैसे कम है। तो दोस्तों, आप ऐसा ही अपने दोस्तों को रिचार्ज कर कर पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और जहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब चार्ज भी आप कर सकते हैं रिचार्ज, और अगर आप और इससे ज़्यादा भी रिचार्ज करते हैं 299 का, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11 से 11 रुपये मिल जाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारी में, और जहाँ से आप पैसे डाल सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट, तो जहाँ से मैंने पेमेंट इसमें डाला है दोस्तों, इतने इतने रुपये डाले हैं इस एप्लीकेशन के अंदर रिचार्ज करने के लिए। और जहाँ पर दोस्तों अपन रिफंड पेमेंट देख सकते हैं, कैशबैक देख सकते हैं कितना कैशबैक मिला है, और जहाँ से ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, जो कि चलता रहता है ऊपर जहाँ पर। तो दोस्तों, अपने दोस्तों का रिचार्ज करने के लिए जहाँ से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, और जहाँ से
चार्ज करने के बाद जो आप किसी में जहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, एयरटेल आईडिया जो भी हो, BSNL, तो जैसे मैं जियो कर लेता हूँ। और जहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो जैसा कि मैं MP में, मध्य प्रदेश, तो और जहाँ पर आपका जियो नंबर डाल देना है, जिसका भी कर सकते हैं आप रिचार्ज। तो जहाँ पर दोस्तों हमें 3% का कैशबैक मिल जाता है, जहाँ पर लिखा आ रहा है कैशबैक ऑफ़र। और अगर हम निचले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो जहाँ पर हमें 0.6 कैशबैक मिलेगा, तो यानी यहाँ पर हमें बहुत कम मिलेगा। तो आपको निचले वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। और जहाँ पर अपना जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर रिचार्ज कर रहे हैं, तो जहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हैं, और जहाँ से आप चेक प्लान है और अपने ऊपर और देख सकते हैं कितने का हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप डाटा करना चाहते हैं, तो डाटा पर क्लिक कर देना। और छोटे जियो का करना है, तो जियो फोन जो समय लास्ट में दिख रहा है, तो जहाँ पर आप छोटी जियो का रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके बड़े मोबाइल की सिम है जियो की, तो आपको ऊपर दिख रहा है फोल्ड, तो जहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जहाँ पर देख सकते हैं आप, जी बहुत सारे ऑफर आ जाते हैं, जहाँ पर आप जितना क्या भी रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे 239 का, 249 का, यहाँ पर देख सकते हैं 239 में हमें 1.5 GB डाटा मिल रहा है, जो कि जहाँ पर दिख रहा है 28 दिन के लान है, इसका प्लान है। और जहाँ पर देख सकते हैं 259 का, और जहाँ पर एक मंथली के लिए है, वो भी 1.5 GB डाटा आएगा इसमें दोस्तों। मतलब 2 दिन और बढ़ गए हैं जहाँ पर, तो दोस्तों हमें 239 का ही फायदा है। और अगर आप और ज़्यादा का भी करते हैं, तो जहाँ से हमें और भी फायदा मिल जाता है। जैसे कि आप जैसे 66 का करते हैं, तो 239 के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा, कम से कम 50-60 रुपये हमारे और बच जाते हैं। और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन के अंदर 2 साल से रिचार्ज कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ पर मेरा रिचार्ज पहले से ही हुआ है, इसलिए दोस्तों मैं जहाँ पर कर नहीं पाऊँगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिचार्ज है। अगर आप इस एप्लीकेशन से रिचार्ज करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों जी। आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।